आज तक मामला हमें सेटल नहीं कर सके और सख्त मायूसी भी होगी, अफसोस भी है, दुख भी है। शोर शुरा साहब मजीद ने आपको मदद भी कर प्राइम मिनिस्टर लैवल तक फैमिली गई तो कभी जनरल मुशर्रफ को 10 बारी सदन करती हूँ इमरान खान हमायत करते तो क्या थोड़ी वो सियासत तो जी पहले से वो कर वो कितने गए तुम अपनी सियासत क्यों नहीं कर पा मैं तो जवाब देना कि असी जो वाशिंगटन हुए सर कि जब हम नवाज शरीफ के साथ चले हुए थे तो मुला साहब भी हमारे साथ थे। हमने महात्मा जनेजू के दौर से लेके मुशर्रफ के दौर तक हमने नवाज शरीफ को भी साथ लिया। हम जेलों में गए, चोशा साहब, चौधरी परवेज साहब, मियाँ शबाज साहब, ये अडियाला जेल में कई कई महीने रहे और हमने इनका साथ ही कई कई मुकदमात हम नहीं दिए। और आपने दूसरी बात की मुशर्रफ साहब, हमने उनका साथ उस वक्त छोड़ा था मियाँ साहब का जब वो जुदा चले गए, हमें पीछे छोड़ गए थे, हमने फिर नई जमात बनाई, फिर उसमें हम मुशर्रफ साहब के साथ चले। मुशर्रफ साहब का भी हमने साथ उस वक्त तक नहीं छोड़ा जब पर भाईजान में बैठे खुद बीमारी। अब इमरान खान के साथ हमारा पाकिस्तान का इतिहाद था, इलेक्शन हमने एक प्लेटफॉर्म पर लड़ा, ये हमने उसकी पासदारी करते हुए हम अपना बना खुला करेंगे और आगे के हालात फिर अगर किसी चीमा तो उसका एक अहम काम है, वो तो आगे टूल के तौर पर है ना, जो साजिशी होते हैं अपने आप को जाहिर नहीं होते। बात सुने ना, आप साले का तो नाम ले लें, उसका भाई सियासत जब मिला से तलक हो किसी और का लेने का मैंने बताया कि मैं सियासी खानदान हमारा है तो मैं आजाद हसीयत से लड़ा हूँ, गुजरात से ही लड़ा हूँ, तो क्या आप अपना कैंडिडेट अपनी पार्टी का उनके अगेंस्ट भी खड़ा करेंगे? हम तो तैयार बैठे हैं, या इलेक्शन हो जाएंगे या फिर जगह फिर जाएंगे जब तक इनको पीछे से टेक देने वाले हैं
जब तक बाहर की कूटे जो है वो इनके साथ है तब तक मीडियम चलेगा, वरना जो वहाँ का महंगाई की वजह से हाल हो रहा है ये मीडियम दो दिन नहीं चल सकता। चौधरी साहब, अब जो नई जमात बनेगी तो फिर गुजरात में पीटीआई के साथ आपका इत्तेहाद होगा, फिर आप मियां रामसूख साहब के काम में तो सर मियां रामसूख साहब का आपने ऐलान किया है तो फिर पीटीआई के हमारे कैंडिडेट नहीं थे, वो उम्मीदवार नहीं होंगे फिर? जी जी, कल की बात पूछो, मैं कोई जो भी तो नहीं हूँ। ठीक है, कल जब आकर देखी जाएगी अभी तो हमारे साथ नहीं है। ठीक है, आगे चल के भी हमने वही फैसले करने हैं कि जो साथी हमारे साथ बुरे अच्छे मौके पे साथ चल रहे हैं, इन शिक्र हो जाए। ठीक है, आपकी पूरे मुल्क की सियासत गुजरात के इर्द गिर्द होती है, हमारा नाम लेना होगा दास्तान। अच्छा बच्चों साहब, ये परवेज साहब ने बहुत अच्छा मंसूबा था इंडस्ट्रियल स्टेट का, वो गुजरात में लेके आए यहाँ पर सारोगी के पास, अब उसे भी शिफ्ट करने की जो अगर शहर मुहैया हो रही हैं, क्या कहते हैं इसका? देखो ये लॉन्ग टर्म मसूबे हैं, ये शिफ्ट हो सकते, इसके लिए 10 साल लगेंगे, इसका बेहतर करो मनसूबों। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया जी।